नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए कक्षा 10 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ में जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है, वहां पर हम त्रिकोणमितीय सारणी की जरूरत पड़ती है उन सम्स को करने के लिए। वहां हमें वैल्यूज पुट करनी होती है, जैसे साइन 60, साइन 30, टेंजेंट 30, कॉट 30, और ये सारी वैल्यूज हमें आनी चाहिए। और इन सबको याद करने के लिए हम एक टेबल आज तैयार करेंगे, एक शॉर्टकट आसान मेथड के द्वारा, और यहां हम उस सारणी को बनाएंगे। फिर हम उस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं, और आपको एक ऐसा मेथड, आसान मेथड बताया जाएगा कि आप उंगलियों की सहायता से, बिना किसी की सहायता लिए, आप अपने हाथ के जादू से, उंगलियों के जादू से आप इस सारणी को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। इन द सेम वे कॉस की, टेंजेंट की, कॉट की, सीकेंट की और कोसीकेंट की, और सभी के लिए टेबल तैयार है। तो किस प्रकार से टेबल बनेगा, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये आपका हाथ है, आप इस हाथ को इस तरह से समझना है। ये आपका हाथ है, मैं यहां बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूं, आप चाहे ड्रॉ करें, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने हाथ से ही उसको आप समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए देखिए। ये हाथ बन गया, तो यहां पर कौन कौन से एंगल है, 0 है, 30 है, 45, 60 एंड 90। तो जो सबसे जो नीचे वाली उंगली, ये वाली होती है, इसको हम लिखेंगे 0 डिग्री। कितना लिखेंगे, 0 डिग्री। और ये सेकेंड, नीचे से सेकेंड, इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री। और जो मध्य में होती है, इसको हम लिखेंगे 45 डिग्री। और ये फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे 60 डिग्री। और ये अंगूठा, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। तो टेबल किस प्रकार से बनाएंगे, आइए सीखते हैं। आप ध्यान करें दोबारा से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इस प्रकार आप ध्यान रखें 90। तो हमारे पास वैल्यूज किस प्रकार आएगी, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा इस प्रकार आएगा हमारे पास, अंडर रूट नीचे उंगलियों की संख्या बटा में 2। अब आप ये ध्यान कर लें, अब सभी के सभी मान आप निकाल सकते हो। किस तरह से निकालेंगे, देखिए, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, 0 डिग्री। कितना, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, 0 है। तो नीचे उंगलियों की संख्या कितनी है, 0 का वर्गमूल बटा में 2, मतलब 0 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड। इसी तरह से चलते हैं आगे, साइन अब कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए, 30 डिग्री। नीचे उंगलियों की संख्या, जो 30 डिग्री एंगल है ये वाला, इसके नीचे कितनी उंगलियां है, एक। कितनी है, एक। तो एक का अंडर रूट बटा में 2, कितना आ गया, एक बटा में 2, यानी साइन 30 कितना होता है, एक बटा में 2। आगे चलते हैं, साइन 45, साइन 45 ये वाली उंगली मध्यमा कितनी है, इसके नीचे 2, नीची उंगलियों की संख्या 2 का वर्गमूल बटा में 2। अब इसको रैशनलाइज कर लें, या यूं लिख लें, अंडर रूट 2, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 2 होता है, ये कट गया, तो कितना आ गया, 1 ओवर अंडर रूट 2। साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री ये कितनी उंगलियां बच गई, 1 2 3, नीची उंगलियों की संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल 3 बटा में 2। तो कितना आ गया, वर्गमूल 3 बटा में 2। साइन 90 डिग्री, नीचे उंगलियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 का वर्गमूल बटा में 2, मतलब 2 बटा में 2 काट के कितना आ गया, 1। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास तैयार है, हम टेबल में लिख देते हैं। 0 साइन 30 कितना, 1/2, साइन 45 कितना, 1 ओवर अंडर रूट 2,
साइन 60 कितना, अंडर रूट 3/2, साइन 90 कितना 1। तो ये थे साइन की वैल्यूज, हम किस प्रकार से उंगलियों की सहायता से याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉस की तरफ। तो कॉस का किस प्रकार से याद रखेंगे, अब देखिए कॉस थीटा आपने क्या याद करना है, कॉस थीटा, यही चीज सेम इसी प्रकार से आपका हाथ है 0 है 30 है 45 है 60 है 90 है। तो यहां नीचे की बजाय बस सिर्फ क्या लिखना है, ऊपर उंगलियों की संख्या का वर्गमूल बटा में 2। तो देखते जाएं कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री ऊपर कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 इसके ऊपर कितनी है 4, 1 2 3 4 अंगूठे समेत, तो 4 का वर्गमूल बटा में 2, 2/2 काट के कितना आ गया 1। कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री यहां है, ऊपर उंगलियां कितनी है 3, 1 2 3, तो वर्गमूल 3/2 कितना आ गया, वर्गमूल 3/2। अब चलते हैं आगे कॉस 45, कितनी उंगलियां 45 वाला, ये ऊपर कितनी है 2, 2 का वर्गमूल बटा में 2, तो आप इस 2 को ऐसे लिख दें, काट दें, कितना आ गया 1/2 वर्गमूल। तो कॉस 60 डिग्री कितनी है ऊपर, कॉस 60 डिग्री ये ऊपर कितनी है 1, 1 का वर्गमूल बटा में 2 कितना आ गया 1/2। और आगे क्या आ गया कॉस 90 डिग्री ऊपर कितनी उंगलियां हैं अंगूठे के ऊपर, कुछ भी नहीं है 0 है, तो 0 का वर्गमूल बटा में 2 आंसर कितना आ गया 0। तो ये आपके पास कॉस के मान आ गए, कॉस 0 डिग्री 1, 30 डिग्री अंडर रूट 3/2, 45 1/2, 60 1/2 और 90 0। देखिए धीरे धीरे आपका ये टेबल तैयार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं टेंजेंट की तरफ। आगे देखिए टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा के लिए हमें क्या करना होगा, इसी हाथ को आपको बताया है ये 0 डिग्री, ये 30, 45, 60 एंड 90 ऐसे था, तो इस हाथ को आप ऐसे कर लें, उल्टा कर लें। उल्टा करने के बाद आप इसको ड्रॉ करें या ना करें, ये आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये इस प्रकार से हाथ, ये कितना था 0, ये कितना था 30, ये कितना था 45, ये कितना था 60 और ये कितना था 90 डिग्री। तो आप देखिए आपके सामने इसी प्रकार है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू ऊपर उंगलियों की संख्या बटा में नीचे उंगलियों की संख्या, नीचे उंगलियों की संख्या का वर्गमूल, बात वही है। अब इसमें पुट करते जाएंगे ऊपर उंगलियों की संख्या का वर्गमूल, नीचे उंगलियों की संख्या का वर्गमूल। तो टेंजेंट 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर कितनी है 0, नीचे कितनी है 1 2 3 4, कितनी है 4, तो 0/2 = 0। ओके, अब टेंजेंट 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री, ये 30 वाली उंगली थी, ऊपर कितनी है 1, 1 का वर्गमूल, नीचे कितनी है, नीचे देखिए आप कितनी है 1 2 1 2 3, कितनी है 3, तो कितना आ गया 1/√3। अब टेंजेंट 45, ये 45 है, ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है 2, तो ऊपर भी 2 का वर्गमूल, नीचे भी 2 का वर्गमूल, काट के कितना आ गया 1। अब चलते हैं टेंजेंट 60 की तरफ,
ऊपर की उंगलियों की संख्या 1 2 3, ये 60, 1 2 3, नीचे कितनी है 1, ऊपर 3 का वर्गमूल, नीचे 1 का वर्गमूल, कितना आ गया अंडर रूट 3 बटा में 1। आगे चलते हैं, टेंजेंट 90 डिग्री, ऊपर उंगलियों की संख्या कितनी है 4 का वर्गमूल, नीचे 0 का वर्गमूल, 2 बटा में 0। अब किसी के नीचे 0 हो तो क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, यानी कि इन्फिनिटी भी आप कह सकते हो परिभाषित नहीं। तो आप यहां पर वैल्यूज देखें, 0 टेंजेंट 30, 1/3 टेंजेंट 45, 1 टेंजेंट 60, अंडर रूट 3 और टेंजेंट 90 परिभाषित नहीं या इन्फिनिटी, जो आपको लगे ठीक वो आप लिख सकते हो। तो देखिए, अगर आपके पास साइन का मान, टेंजेंट का मान, कॉस का मान, ये तीनों मान है तो बाकी भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब ये टेंजेंट है, कॉट है, आपको पता है जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा में आधार, और टेंजेंट क्या होता है, आधार बटा में लंब, मतलब जस्ट उल्टा होता है, एक दूसरे के उल्टा, उल्टा कर दें, ये कितना है 0, मतलब 0 बटा 1, कितना है 0 बटा 1, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, मतलब इन्फिनिटी, मतलब अब इसको रिवर्स कर दें कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है 1/1, यहां भी क्या आएगा 1/1, उल्टा कर रहे हैं इसको, ध्यान देखिए उल्टा कर रहे हैं, यहां इसके नीचे 1 है, उल्टा कर देंगे ये 1/∞, 1/∞ किसके बराबर होती है 0 के, किसके बराबर होती है 0 के, तो यहां क्या आ जाएगा 0। मेरे ख्याल में कॉट समझ आ गया, टेंजेंट क्या कर दें उसको उल्टा कर दें, व्युत्क्रम ले लें, क्या करें रेसिप्रोकल ले लें। अब चलते हैं सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा जो होता है वो किसके उल्टा होता है, वो होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, तो ये इस कॉस को उल्टा करते जाएं, ये 1/1 है, 1/1 उल्टा कर दें, 2/√3 उल्टा कर दें, वर्गमूल 2/1 उल्टा कर दें, 0/1, 0/1 उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी, 1/0 मतलब परिभाषित नहीं, मतलब इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी। अब साइन, साइन की बात करें या कोसिकेंट की बात करें, तो ये होता है 1/sin, मतलब वो होता है लंब बटा कर्ण और ये होता है कर्ण बटा लंब, तो इसका उल्ट करते हैं साइन का, 0/1, 1/0 इन्फिनिटी, 2/1 वर्गमूल 2/1, 2/√3, तो ये 1/1 कितना हो गया 1। तो इस प्रकार आप उंगलियों की सहायता से पूरी सारणी, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, अगर भूल भी गए तो आप इस हाथ को याद रखें, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, और ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी टेबल आप बनाएं, और यो आने वाले कंपटीशन एग्जाम है जहां एक्सरसाइज 8.2 है वो आपकी आसानी से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखने के लिए आपका बहुत बहुत